दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम चला। क्रांति का वो सख्त दिल ब्रिटिश ऑफिसर या फिर फिल्म चरस का वो देशभक्त कस्टम ऑफिसर। हमीद, सवाल ये है, चरस यूरोप पहुंची या नहीं? ऑफ कोर्स चरस तो वहां पहुंच गई है, तो कालीचरण को वहीं अरेस्ट कर लो। कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, लेकिन खुद को पर्दे पर हमेशा नोटिस कराने वाली पर्सनालिटी, हिंदी सिनेमा के वो थेप्सियन लुक वाले एक्टर टॉम अल्टर। दिखने में फॉरनर पर पूरा दिल हिंदुस्तानी, हिंदी के अलावा उर्दू पर उनकी पकड़ कमाल की लगती है। सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर, हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर। ये उर्दू भी उन्होंने स्ट्रगल के दिनों में सीखी। बहुत पहले धर्मेंद्र जी ने कहा था कि अगर स्ट्रगल की कहानियाँ किसी एक्टर के पास ना हो, इसका मतलब ये है कि वो एक्टर नहीं है। हमने बहुत स्ट्रगल की, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल का ज़माना बहुत प्यारा था। मैं इंस्टीट्यूट से निकला था 74 में, और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की। बेंजामिन गिलानी साहब, बाबा आज़मी, कमाल के वो साल थे। कभी पैसा नहीं था खाने को, तो 3 वहाँ होटल था उस इलाके में जो हमको उधार पे खाना खिलाया करते थे। उनके उर्दू सीखने का वाक्या भी बड़ा दिलचस्प है। उसी दौरान मेरा मिलना हुआ एक बहुत बड़े उस्ताद से, उर्दू के बहुत बड़े उस्ताद, तो जालिब मज़ाहिरी साहब, यहीं बायकला में रहते थे। बहुत वो दिलीप कुमार के ख़ानदान के उस्ताद थे, यहाँ पढ़ाते थे उर्दू। तो उनसे मेरा मिलना हुआ, तो मैं उनका शागिर्द बना। उनसे इतना कुछ सीखने को मिला, ना केवल उर्दू के बारे में बल्कि कला के बारे में, ज़बान के बारे में, तहजीब के बारे में, तारीख के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में, मज़हब के बारे में, हर चीज़ के बारे में। मसूरी में पैदा हुए टॉम ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई आए, क्योंकि मन में हमेशा से ठान लिया था कि माया नगरी में आकर अपनी पहचान बनानी है। मैं पहले मुंबई नहीं आया था, मैं पहले पूना गया था। मसूरी से मुझे दाखिला मिला फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में। 2 साल की वहाँ पढ़ाई की मैंने, एक्टिंग की हमने स्टडी की, उसके बाद मैं मुंबई या बम्बई चला आया। जिंदगी का असल रंग उन्हें मुंबई आने के बाद देखने को मिला, और काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हुई। जो पहली फिल्म मुझे मिली थी वो, उस फिल्म का नाम है मृग तृष्णा। मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था तभी मुझे ये फिल्म मिली। उसके बाद जब मैं बम्बई चला आया तो चेतन आनंद से मेरा मिलना हुआ। वो एक फिल्म बना रहे थे साहब बहादुर, तो मैंने अपनी करियर का पहला शॉट दिया था देव साहब के साथ। तो पहली फिल्म मेरी रिलीज हुई थी वो थी चरस, ये रामनंद सागर साहब ने बनाई थी। बहुत अपने ज़माने की हिट फिल्म थी, उसमें गाने बहुत अच्छे थे। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी रोमांटिक लीड में थे, मेरा अच्छा रोल था। चरस, शतरंज के खिलाड़ी और देश परदेश जैसी फिल्मों के पर्दे पर उतरने के बाद उनकी किस्मत का सितारा चमका और उन्हें मनोज कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। मैं जुहू में यूं ही टहल रहा था दोपहर के वक्त, तो हमारे जो सीनियर हैं पिंटल, उन्होंने ऊपर बैल्कनी से आवाज़ दी कि टॉम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर कहीं नहीं। अच्छा, मनोज साहब आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं क्रांति, उसमें रोल है आपके लिए, वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये 76 की बात है, फिल्म फाइनली रिलीज हुई 5 साल बाद। तो 5 साल तक, जब तक क्रांति की शूटिंग चल रही थी, मनोज साहब का घर, शशि भाभी का घर जो है, वो मेरे लिए घर बना। फिल्म में मनोज कुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता थे, उस पर हेमा मालिनी सरीखी अदाकारा। इन स्टार्स के साथ काम करके टॉम ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को खूब निखारा। मनोज जी के साथ काम करने का तजुर्बा वो आज तक नहीं भूलते।
जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मनोज साहब मिल लिए ना केवल दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, बल्कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। 4 साल तक शूटिंग चली, 4 साल के बाद रिलीज हुई, और जो रिलीज हुई ये फिल्म, आज भी लोग उस फिल्म को याद करते हैं, उस इस नाचीज ने जो भी कुछ काम किया उसमें लोग याद करते हैं। ये सब मनोज साहब की बदौलत। मनोज कुमार ने टॉम को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया, पर टॉम ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस रोमानी हीरो के साथ भी काम किया जिसे देखने भर के लिए लोग थिएटर के आगे लंबी कतारों में खड़े हुआ करते थे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, देव साहब के बारे में ये कहना है कि वो जिंदगी जीते थे, मतलब, और जो हिंदुस्तान है, मैं उसको भारत नहीं कहूंगा, मैं उसको हिंदुस्तान ही कहूंगा, जिस देश के लिए हम, देव साहब ने खुद वो पूरा बंटवारा जो है और पूरा ज़माना उन्होंने अपनी आँखों से देखा। बहुत कमाल के इंसान थे और मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उनको तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उन्हें याद करना चाहिए। टॉम देव साहब की तारीफ करते नहीं थकते। अभिनय के शुरुआती सफर में उन्होंने मनोज कुमार, दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर जैसे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। कर्मा, सोने पे सुहागा, परिंदा और आशिकी सुपरहिट फिल्में साबित हुईं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। यानी टॉम अल्टर की एक्टिंग आम दर्शकों को पसंद आने लगी थी। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भी टॉम के किरदार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जिससे राज कपूर भी प्रभावित हुए। बेंगलोर के जंगल में कहीं शूट कर रहा था तो मुझे मैसेज मिला कि राज साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे मैं वापस बम्बई आया तो एयरपोर्ट से मैं सीधा पहुंच गया आरके स्टूडियो। राज साहब बैठे थे वहां पे, उनके वो प्रोजेक्शन रूम में बैठे हुए थे, अकेले थे वो, तन्हा थे वो। मिले, खूब प्यार से मिले, और उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उस चमक में थोड़ी सी शरारत भी रहती थी, वो आप फिल्मों में वो चीज़ नज़र आती है। तो कहते, टॉम तुम आए हो? मैंने कहा जी आया हूँ। अच्छा, देखो मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जो मेरी हीरोइन है उसकी आँखें नीली हैं और तुम्हारी भी आँखें नीली हैं, इसलिए तुम उनके पिताजी का रोल करोगे। तो मैंने कहा राज साहब, नीली तो आपकी भी आँखें हैं। तो उन राज साहब, मतलब मैं उनकी नकल नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, अब इस बुढ़े को देखना कौन पसंद करेगा जी, तुम जवान हो, हसीन हो, लोग तुम्हें देखना पसंद करेगा, मैं तो बुढ़ा हो गया। राज कपूर के अलावा टॉम इंडस्ट्री की दो बड़ी शख्सियतों से इंस्पायर रहे। वो दो बड़े नाम हैं, दिलीप कुमार और राजेश खन्ना। क्योंकि दिलीप कुमार, उनका ओहदा कुछ और ही था। मैं पहली बार उनसे मिला किसी के घर पे, पाली हिल पे। मैंने कहा यूसुफ साहब एक बात प्लीज़ हमें बता दीजिए कि अच्छी एक्टिंग का क्या राज है, अच्छी एक्टिंग का क्या राज है। तो दिलीप कुमार ने बेझिझक आवाज़ दिया शेर व शायरी। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है कि अंत में अच्छी ज़िंदगी का राज, अच्छी एक्टिंग का राज, एक अच्छी शख्सियत का राज एक ही है, वह शेर व शायरी। मेरे जो फेवरेट हीरो थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, उतने राजेश खन्ना साहब। मैं इस लाइन में आया हूँ तो राजेश खन्ना साहब की वजह से। हमने उनकी फिल्म आराधना देखी, राजेश खन्ना साहब की अदायगी इतनी अच्छी लगी, उनका अंदाज़। उस समय मेरे अंदर पहली बार ये एक सपना पनपने लगा कि मैं भी इस लाइन में आना चाहता। आगे चलकर उन्होंने वी सांताराम और सुभाष घई के साथ भी काम किया। जो वी शांताराम की फिल्मों में और ये राज कपूर और मनोज कुमार की फिल्मों में देखने को मिलता है, वो सुभाष घई की फिल्मों में भी
तो मैंने उनके साथ दो फिल्में की थी, विधाता और कर्मा। और जब कर्मा फिल्म बन रही थी, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, उसमें सारे मतलब दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सारे उसमें थे हीरोज। लेकिन मैंने सुभाष जी में एक बहुत अच्छी, मेरे उसमें छोटा सा रोल था, लेकिन छोटा सा भी रोल हो, छोटा सा भी कलाकार हो, उनकी तरफ भी सुभाष जी पूरा ध्यान दिया करते थे। कमर्शियल बॉलीवुड फिल्मों से अलग टॉम ने कई संजीदा फिल्में भी की। गांधी और सरदार जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसे इंडियन ऑडियंस ने खूब सराहा। केतन मेहता, जिनकी फिल्म मांझी अभी रिलीज हुई है, उन्होंने एक फिल्म बनाई सरदार पटेल के ऊपर, उस फिल्म का नाम है सरदार। उसमें मैंने माउंटबेटन का रोल किया था। बहुत मैंने लोग, मैं इस चीज़ के लिए बदनाम भी हूँ कि मैं अंग्रेज़ों के रोल बहुत, लेकिन अगर आप गौर करें, जितने भी अंग्रेज़ के रोल किए हैं मैंने, सब अलग हैं। क्रांति का अंग्रेज़ देखिए आप, शतरंज के खिलाड़ी को अंग्रेज़ के देखिए, वो इतनी कमाल की फिल्म है। और उसमें जो परेश रावल साहब ने सरदार पटेल का रोल किया, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। साल 1976 से शुरू हुआ टॉम की एक्टिंग का सिलसिला यूं ही जारी है। 90 के दशक के बाद साल 2000 से अब तक उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर्स में काम किया है, जिसमें द राइजिंग मंगल पांडे, यश चोपड़ा की वीर जारा और रंग रसिया जैसी लीक से हटकर बनाई गई फिल्में भी शामिल हैं। केतन मेहता की फिल्म आई थी रंग रसिया, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें जब राजा रवि वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलता है, तो उसमें मैं जज बना था, जो एक ऐसा फैसला सुनाता है कला को लेकर कि कला पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। टॉम ने अपनी एक्टिंग को कभी एक ही तरह के सेल्यूलाइट के लिए बांधकर नहीं रखा। उन्होंने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ इंडियन टेलीविजन डेली सोप्स के लिए भी काम किया। उनका चर्चित टीवी शो जुनून तो आज तक दूरदर्शन के चहेतों की जुबान पर है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। हम कभी तुम्हें अपनी दृष्टि से उछल होने नहीं देंगे। इसके अलावा शक्तिमान और कैप्टन व्योम जैसे पॉपुलर टीवी सीरीज में वो नजर आए। टेलीविजन में और थिएटर में मेरा ज्यादातर काम उर्दू में चल रहा हूँ। मैंने खुद एक टीवी सीरियल 2 साल पहले डायरेक्ट किया था, उसका नाम है एक फुर्सत एक गुनाह। टॉम सर से जब मेरी मुलाकात हुई है और हम लोग मतलब काम करते रहे, तो मैं टॉम सर से अक्सर कहा करता था गाड़ी ले लेते हैं। टॉम सर ने बोला गाड़ी नहीं लेना, ये सब हमारे टैक्सी वाले नीचे दोस्त हैं, तो सारे टैक्सी वाले हम लोगों को पहचानते हैं। हम लोग जैसे ही नीचे उतरे, लेकिन टॉम सर में एक जो बात थी कि अब टॉम सर जैसा बोले, हमारे जबान में हम बोल देंगे तो एक बड़ी आसामी, मतलब ये आदमी अगर उतर रहे, और उस वक्त इतने बिजी थे टॉम सर कि अगर सुबह निकल गए तो रात में आ रहे हैं। अब सारे टैक्सी वाले दौड़ लगाते थे, लेकिन टॉम सर में एक वो थी कि जो पहले क्यों नहीं, मैं उसके साथ ही जाऊँगा। टॉम सर कभी मतलब उसको हमेशा कहता रहा कि गाड़ी ले लो, लेकिन बोले नहीं, ये किसी का मतलब रोजी चल रही है, ये उनकी एक अजीब सोच है जो आज के ज़माने में तो मुश्किल है। टॉम साहब का स्टाइल एकदम नेचुरल है, जब वो एक्टिंग करते हैं या किसी से बात करते हैं, या उनके साथ नीचे खड़े रहो या ग्राउंड में रहो, या वो एक्टिंग करें या बास्केटबॉल खेलें, उनका स्टाइल एकदम सिंपल है और वो बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, चाहे दोस्त हो या फिर कोई नया अजनबी हो, सबसे अच्छे से मिल के बात करते हैं। बॉलीवुड के इस ब्रिटिश लुक वाले एक्टर का कौशल यहीं खत्म नहीं होता। हिंदी फिल्मों और हिंदी धारावाहिकों के साथ साथ उन्होंने आसमी, बंगाली, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि कुमाऊनी भाषा की रीजनल फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया। गुजराती में हमारी फिल्म बहुत सुपरहिट हुई है, बट ज्यादातर जो मुझे कलाकार मिले हैं, वो जैसे तीन मैंने बांग्ला फिल्म में काम, तो वो जबान या वो भाषा मुझे एक बंगाली या गुजराती या पंजाबी होकर नहीं करना होता, एक जिस तरह से मैं हूँ, तो इसलिए हम कर पाते हैं। और देखिए, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, इन सब की माँ जो है संस्कृत या कुछ हो, वो सब एक ही है। तो कितने शब्द, जैसे साउथ इंडियन कई भाषाएं, हिंदी या संस्कृत के सारे शब्द आपको साउथ की भाषाओं में मिलेंगे,
तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो फिर आप हर उसमें जबान में हाथ पैर मार सकते हैं। शलिया बाप को उनकी एक्टिंग का एक अलग अंदाज दिखाते हैं। जी हाँ, फिल्मी पर्दे से दूर इंडियन थिएटर इंडस्ट्री में भी उनका खूब नाम है। मौलाना आजाद का किरदार निभाकर तो वो कई इंस्पायरिंग थिएटर आर्टिस्ट के आइडल ही बन गए। और इम्तियाज अहमद अपने मेहमान खास को लेकर घर पहुंच भी गए होंगे, बल्कि चाय का दौर भी शुरू हो गया होगा। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली आकर वो कई बार प्ले करते हैं। इस वक्त इनकी जेब में एक रुपया भी हो तो मेरे मुंह में खाक नहीं। मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मैं देखो मैं एक्टिंग को एक्टिंग मानता हूँ। चाहे आप थिएटर रंगमंच के ऊपर करें या टीवी कैमरे के सामने, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। और मुझे इस एक्टिंग जो कला है उससे उसका भूत सवार है, वो तो है ही, लेकिन जुनून सवार है इस चीज़ का। रेनाउंड एक्टर हैं और वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सालों से स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने उनके काफ़ी प्लेस दिया है और वो उर्दू गालिब वगैरह में भी बहुत अच्छा रोल करे। जब वो मुस्लिम का रोल करते हैं मुस्लिम, जब वो इंग्लिश का रोल वो इंग्लिश हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने क्रांति में किया था, इंग्लिश डिक्टेटर और से कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, उसी तरह कर्मा भी, और उन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी कुछ 8 फिल्मों ने भी शोहरत बटोरी। एक्टिंग के अलावा उन्हें खेल में भी काफी दिलचस्पी है। इंडियन क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर के करियर का पहला इंटरव्यू टॉम ऑल्टर ने किया था। उस वक्त सचिन की उम्र महज 15 साल की थी। सचिन, you must be getting tired now of people asking you questions and giving interviews or what? Oh, I think this is just start. आगे चलकर सचिन का ये इंटरव्यू खूब पॉपुलर हुआ। टॉम ने क्रिकेट और दूसरे विषयों पर 3 किताबें भी लिखी हैं। मुंबई के जाने माने सिनेमा हॉल मराठा मंदिर के पास ही उनका आशियाना है। जब हम उनके घर उनसे बातें करने पहुंचे तो उन्होंने हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई, वो भी अपनी अतीत की कुछ खास यादों के साथ। दरअसल मेरे दादाजी और दादी जी मरहूम अमरीका से हिंदुस्तान आए थे 1916 में, यानी कि लगभग 100 साल पहले। वो मिशनरीज थे, पादरी थे। ये तस्वीर जो है, ये अगर आप कैमरा इस पर लाए हैं तो ये छोटी सी तस्वीर, ये हमारे बचपन की तस्वीर है। ये मैं हूँ, ये बात होगी 55 के आसपास की बात होगी, यानी कि आज से कितने साल पहले, 60 साल पहले। ये हमारे साहबजादे और हमारे पोते साहब जेम्स और केडन, इनका पूरा नाम है केडन वीर ऑल्टर। साल 1916 से उनके दादाजी अमेरिका से आकर हिंदुस्तान में बस गए और तब से टॉम ऑल्टर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं बसा हुआ है। साल 2008 में टॉम ऑल्टर को आर्ट एंड कल्चर में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन आज भी वो इंडस्ट्री के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये अभी मैंने 2 फिल्मों का जिक्र किया था पहले, एक अधिपोछा साहब एक बहुत सुंदर फिल्म बना रहे हैं अंग्रेज़ी में, द फाइनल ऑडियंस, वो लगभग तैयार है। फिर एक और फिल्म है सन 75 जो नवनीत बना रहे हैं, वो भी लगभग तैयार है। हाल ही में हमारी बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई द पाथ ऑफ ज़ारथुस्ट्रा, एक हमारे दोस्त अकबर शेख साहब वो फिल्म बना रहे हैं, नवाब साहब जिसमें मेन रोल मैं कर रहा हूँ। तो आए दिन कोई ना कोई ऑफ़र आ जाता है, कुछ ऑफर्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इस उम्र में आकर के मैंने देखा कि भाई अगर किसी काम में मन ना हो तो मत करना। तो बहुत ही बिजी हूँ मैं और
यूँ कुछ हद तक मैं मुतमईन भी हूँ, मुझे इत्मीनान है कि ये जो मैं 40-45 साल से कर रहा हूँ, अब उसका जो असली रंग जो है वो सामने आ रहा है। उनके रंग रूप को देखकर भले ही लोगों को हैरानी होती हो, लेकिन उनके उर्दू अल्फाज सुनकर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उनका परिवार कभी अमेरिका से इंडिया आया था। मैं नया नया बॉम्बे आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब मसूरी में था तो मुझे किस बात को होश ही नहीं कि मेरा रंग ढंग अलग है। मुंबई नगरी में आके, बॉम्बे में आके पता चले, और यार मैं तो गोरा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो एक शेर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ, बहुत मामूली शेर है, कोई पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मौजू बहुत है कि शक लोगों ने मुझ पे किया, शक लोगों ने मुझ पे किया, उस शक को दूर मैंने किया। शक करना लोगों का कसूर नहीं, शक दूर करना मेरा काम था। वो कहते हैं बॉलीवुड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, अपने मुकाम से उन्हें कोई शिकायत नहीं, पर वो खुद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जमाने का समझते हैं। बॉलीवुड शब्द उन्हें जरा अटपटा सा लगता है। ये जो एक टाइटल दिया गया है बॉलीवुड, हम सबको इससे बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये हम बॉलीवुड में नहीं आए, हम तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और हमारा मुकाबला हॉलीवुड से क्या हमारा मुकाबला, हम हॉलीवुड से बहुत आगे हैं। तो इसलिए बॉलीवुड जो नाम दिया गया है, जो खिताब नवाजा गया है, हम लोगों को इससे काफ़ी चिढ़ है। ये ऐसी कमाल की इंडस्ट्री है कि जब तक आपका सितारा चमक रहा है तब तक सब लोग नमस्ते करते हैं। जैसे आपके सितारे जो हैं उनकी बुलंदी थोड़ी सी कम हुई किसी भी कारणवश, तो लोग सलाम करते हैं, लेकिन वो उतनी तपाक से हैं। इस दौर के कई एक्टर एक्ट्रेसेस की अदायगी उन्हें लुभाती है, उन्हें डायरी लिखने का भी शौक है। वो खुश हैं कि हिंदी फिल्म जगत का हिस्सा बने, अपनी उम्र के बदलते फलसफे को वो खुद भी बड़े जवां अंदाज में बयां करते हैं। शायद यही उनकी कहानी का पूरा सारांश है। ये थोड़ा सा मैं सबूत करना चाह रहा हूँ कि हम भी कभी जवान थे और कुछ हद तक हम हसीन भी हुआ करते थे। ये तस्वीर जो है ये उस ज़माने की है जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रहा था। ये लीजिए, 1, 2, 3, और अतीत की परछाइयाँ जो हैं वो इस फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। ये सीमाब का शेर है। जवानी भी गई सीमाब, फसले गुल फशानी भी, जवानी भी गई सीमाब, फसले गुल फशानी भी, मैं अब तादेर महफिल में गजल ख्वां हो नहीं सकता।